क्या नाम है आपका? मंगत राम। मंगत राम, क्या कह रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूँ अडानी की संपत्ति मैंने पहले 16 लाख करोड़ रुपए थी। अच्छा, और आज की डेट में उसकी संपत्ति 8 लाख करोड़ रुपए है जी। अच्छा, कैसे हो गया ये सब? 100 करोड़ डॉलर का, 100 अरब डॉलर का नुकसान हो गया जी। कैसे हो गया नुकसान? क्यों करवा दिया नुकसान? उसने अमेरिका की जो कंपनी है हिडन बैंक, उसने जो जाँच की है, अच्छा, उसी जाँच के आधार पर, अच्छा, उसकी संपत्ति 80 लाख करोड़ रुपए जो है कम हो गई है जो है। अच्छा, आज की डेट में तो उसको जो है नुकसान हो गया, उसकी संपत्ति आधी रह गई है। अच्छा, ये मोदी जी के दोस्त हैं। हाँ। मोदी जी इनको सैकड़ों बार अपने साथ जहाजों में बैठा कर विदेशों में ले गए हैं। अच्छा, अच्छा। जो सच इन्होंने ठेके दिलवाए, हवाई जहाजों के ठेके दिलवाए, गाँव के ठेके दिलवाए। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? बल्लगढ़ में रहता हूँ, चावला कॉलोनी में रहता हूँ। अच्छा, चावला कॉलोनी में रहते हो, तो क्या कहना चाहते हो आप? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, मोदी जी देश को बेच देंगे अगर ये प्रधानमंत्री रहे तो। हाँ, देश बहुत जल्दी जो है किसको किसको बेच देंगे, कौन खरीद लेगा देश को? देश को जो है विदेशी लोग खरीद लेंगे जो है। अच्छा, विदेशी लोग खरीद लेंगे। अच्छा, तो क्या होना चाहिए, क्या मांगे आपकी? जैसी जो जांच एजेंसी आएंगे ये साफ कह रही है। अच्छा, मोदी जी जो है तो देश को कौन बचा सकता है बताओ? देश को सिर्फ जो है देश की जो जनता है वो बचा सकती है जी। अच्छा, जनता के अलावा कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, आपका भी नुकसान हुआ है क्या जी? मेरा भी नुकसान है जी। अच्छा, मेरे भी 1 करोड़ डूब गए हैं जी। अच्छा, आपका 1 करोड़ रुपए डूब गया? 1 करोड़ कहाँ लगाए थे आप? शेयरों में लगाए थे। अच्छा, शेयरों में लगाए थे। 10 कंपनियां आएंगी इसकी। अच्छा, अदानी जी की 10 कंपनियां हैं। हाँ। 10 कंपनियां आज डेट में आते रेट हो गए। तो कौन से शेयर खरीदा था आपने जो है? अदानी के सारे खरीदे थे। अच्छा, 10 कंपनियों के। अच्छा, अच्छा, सब में घाटा हुआ है। अच्छा, अच्छा, आपका घाटा 1 करोड़ का हो गया जी। उसकी जो बल्लगढ़ में रहते हैं सारी संपत्ति थी। कैसे कमाए थे 1 करोड़ रुपए आप बताओ? मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ जी। अच्छा, 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 वाह भाई वाह। मेरी 10 जगह प्रॉपर्टी है बल्लगढ़ में जो है। अच्छा, अच्छा, 10 जगह प्रॉपर्टी है। अच्छा, मैं जो है आज से 30 साल से शहर में पैसा लगा रहा हूँ। 30 साल से। अच्छा, मुझे शहर के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है जी। अच्छा, अच्छा, मेरे बराबर कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, जो है। अच्छा, सर 90 से मैं जान। तो आप एक अच्छे व्यापारी हैं फरीदाबाद के, आपके कहने का मतलब? हाँ जी। काफी ज्यादा प्रॉपर्टी है आपका, 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है जो शेयर गिरा अडानी का जो है। और इससे पहले ग्रुप था। अच्छा, जिंदल का बल्लभगढ़ फरीदाबाद इलाके 25,000 करोड़ रुपए लेके बैठ गया जी। अच्छा, उनको भी आपने दिया था कुछ पैसे? क्या कितना दिया था जिंदल साहब को? उनसे भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ जी। कितना नुकसान हुआ था जिंदल साहब से? सभी 1 करोड़ का हुआ था। अच्छा, 1 करोड़ रुपया जिंदल साहब से, 1 करोड़ रुपया अडानी साहब से। अच्छा, तो यहाँ पर जो है देश में सब लुटेरे पैदा हो रहे हैं दोस्तों, देख रहे हैं, ताऊ बता रहे हैं, बल्लभगढ़ के बिजनेसमैन हैं, इनका 1 करोड़ रुपया का नुकसान हो गया है। सरकारी अधिकारी जो सरकारी मंत्री वगैरह होते हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वगैरह, ये सब इनको बचा रहे हैं। अच्छा, का जो है वो तो जेल में है, जेल में तो है का जो है बल्लभगढ़ में घंटाघर से लेकर अम्बेडकर चौराहे तक जुलूस निकला था। अच्छा, तो सीएम साहब राजमंडी में आए थे। अच्छा, अच्छा, तो शर्मा जी ने उन पर लाठियां चलवा दी थी व्यापारियों के ऊपर। अच्छा, उन्होंने सीएम शासन मिलने नहीं दिया व्यापारियों को जो है। अच्छा, सारे व्यापारी घंटाघर से। तो आप क्या कौन सा बिजनेस करते थे ताऊ? मैं परचून का काम करता है। अच्छा, अच्छा, परचून काम, स्टेशनरी का परचून। अच्छा, पहले क्या करते थे आप? यही काम करता था। अच्छा, प्रॉपर्टी काफी है मतलब आपको कहने का? ठीक है, ठीक है, ठीक है ताऊ, ठीक है ताऊ, ठीक, थैंक यू।